सत श्री अकाल जी, टेट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब का स्वागत है। अज मैं हाजिर होया पंजाबी भाषा की पहली वीडियो लैके, जिस दे विच आपां पंजाबी व्याकरण नूं पढ़ांगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए कि पंजाबी भाषा नूं पंजाबी किसने कहा। तो हाफिज बरखुरदार ने 1672 दे विच पंजाबी नूं पंजाबी भाषा कहा सी। जो पंजाब की भाषा है उसनूं पंजाबी कहा सी हाफिज बरखुरदार ने 1672 दे विच। ते प्रिंसीपल तेजा सिंह दे अनुसार सप्त सिद्धू की जिहड़ी भाषा सी उसका नाम पंजाबी सी। ठीक है जी। उस तो बाद हुण आपां गल करदे आं पंजाबी भाषा का विकास किवें होया। ठीक है जी। तो सब तो पहला हुई वैदिक भाषा, वैदिक तो बनी संस्कृत, संस्कृत तो बनी पाली, पाली नूं प्रकृत लैंग्वेज भी कहा जाता है। पाली दो भागा विच वंडी गई, सोरसैनी अते पिसाची। सोरसैनी भाषा थी जिहड़ी उह अगे वंडी गई अपप्रस ते ककई दे विच, ककई दे विच। ठीक है। ते पिसाची अगे वंडी गई अपप्रस अते टाकरी दे विच। इन्हां दोनां दे समेल तो बनी है जी, टाकरी अते ककई लैंग्वेज दे समेल तो बनी है पंजाबी भाषा। ठीक है जी। ये पूछ लिया जाता कई बार पेपर के, तुम ये जो क्रम है इनू याद रखना है। वैदिक संस्कृत पाली सोरसैनी अपप्रस ककई। ठीक है। वैदिक संस्कृत पाली पिसाची अपप्रस टाकरी, ते टाकरी ते ककई दे समेल तो बनी है जी पंजाबी भाषा अपनी। उस तो बाद पंजाबी व्याकरण की गल करिए। व्याकरण हुंदा की है? किसी भाषा जां बोली नूं शुद्ध रूप विच लिखण जां बोलण लई कुछ नियम बनाए जांदे हन। इन्हां नियमां नूं ही व्याकरण कहा जांदा है। पेपर दे विच कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो डेफिनेशन नूं कदे भी इगनोर नहीं करना। ठीक है जी। तो हरेक भाषा का एक आपका अलग व्याकरण हुंदा है, जिवें पंजाबी का अलग व्याकरण है, इंग्लिश का अलग व्याकरण है, गुजराती का अलग व्याकरण है। ठीक है जी। तो पंजाबी भाषा का जिहड़ा व्याकरण है वह किस द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया सी विलियम कैरी के द्वारा। ये तुसीं याद रखना है, ये पेपर दे विच पूछा जाता है। तो पंजाबी व्याकरण की आप गल करिए, इसके किन्ने भाग हैं? तो हेठा लिखे भाग अनुसार इसनों वंडिया गया है। ध्वनि बोध, जिसनों अक्षर बोध या वर्ण बोध भी कहा जाता है, शब्द बोध, अर्थ बोध और वाक बोध। हुण इन्हां नूं थोड़ा जिहा विस्तारपूर्वक देखते हैं, ज़्यादा डंगाई विच जाण दी लोड़ नहीं, ज़्यादा डंगाई दे विच ऑपरेशन नहीं आउंदा, जिन्ना क लिखे इन्ना क लई अपने लिए बहुत है। ठीक है जी। तो ध्वनि बोध, जिसनों शब्द बोध या वर्ण बोध भी कहा जाता है, भाषा की सब तो छोटी इकाई ध्वनि है। पूछ लिया जाता भाषा की सब तो छोटी इकाई कि है? तो भाषा की सब तो छोटी इकाई ध्वनि है जी। ध्वनि का अर्थ है आवाज़। बोलन वेले मनुख के मूँह जो आवाज़ा निकलदिया हन उन्होंने व्याकरण के ध्वनिया कहा जाता है। ठीक है जी। ध्वनिया अगे वंडिया गया स्वर धुनिया तो व्यंजन धुनिया, उन्होंने आप अगली वीडियो के आप कवर करा। ठीक है जी। तो उस तो बाद आता अपना शब्द बोध। शब्द बोध ध्वनिया ज वर्णा के समेल तो शब्द बनता है। ध्वनि दे लिखती चिन्ह अक्षर हुंदा है, ओह बोध जिस राही अक्षरां दी सही वरतों का पता लगे उसनूं शब्द बोध कहा जाता है। ठीक है जी। तो उस तो बाद नैक्सट है अपना जी अर्थबोध। अर्थबोध तो भाव है अर्थां दे पक्ष तो शब्दों की व्याख्या। इस विच बहुत अर्थक शब्द, समान अर्थक शब्द, बहुते शब्दों की थां एक शब्द अते विरोध अर्थक शब्दों बारे जानकारी मिलती है। उस तो बाद आ गया अपना वाकबोध। व्याकरण के इस भाग में वाक रचना के नियमों बारे अते वाक संबंधी विचार किया जाता है। ठीक है जी। तो इत्थे अज की अपनी वीडियो खत्म होंदी है, क्योंकि आप हौली हौली करना। सियाने कहते हैं उन्ना खाओ जिन्ना पच जाए। ठीक है। ज़्यादा खाधा होया हजम नहीं आता। तो हौली हौली आप स्पीड अपनी इनक्रीज करांगे, वीडियो की लेंथ नूं बधावांगे। तो अज की वीडियो अपनी इत्थे तक ही है। जे वीडियो वधिया लग्या तो लाइक ते शेयर करना ना भुल्यो। जले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।